ठीक अब अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। एक मिनट। अब अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ अपन फ्रिक्शन के बारे में पहले बेसिक बेसिक बातें सीखेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, एक एक्स्ट्रा फोर्स है, कैसे आया, क्यों आया, इन बातों को अपन भी समझेंगे। ठीक, सबसे पहले फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। सब जहां भी बैठे होंगे, टेबल पे, आई होप सब टेबल चेयर पे या बेंच पे, जहां भी बैठे होंगे, अपने हाथ को सामने अपनी टेबल की सरफेस पे रखो। सबने रख लिया हाथ की पाम को सामने सरफेस पे रखो, है ना, और हाथ को घिसो। हाथ को सामने सामने जो भी टेबल, बेंच, चेयर जो भी है उसकी प्लेन सरफेस पे उसको घिसो। वो स्मूथ हो सकती है, रफ हो सकती है, हल्का सा घिसा, ठीक है। अभी नॉर्मली रखना है ना। अब एक काम करो, हाथ को हल्का सा प्रेस करो और अब घिसो। हाथ को हल्का सा प्रेस करो और अब घिसो। घिसना मुश्किल हो रहा है, ये बात समझ में आती है ना, ये बात सबको फील हो रही है कि जैसे हमने हाथ को प्रेस किया तो अब हाथ को सरफेस पे रब करना मुश्किल है। समझ में आती है बात। इसका मतलब ये जो हम फोर्स सीखने वाले हैं ना, हाँ मैं समझ गया, मतलब ये तो दिखना ही चाहिए सबको कि हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल बढ़ाया। सोचो हमने धक्का दिया ज्यादा, तो हमने तो नॉर्मल बढ़ाया लेकिन साथ साथ एक फोर्स जो हमारे हाथ को घिसने से रोक रहा था ना, वो भी बढ़ गया। दैट फोर्स इज फ्रिक्शन, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। उसी की भी स्टडी करेंगे, लेकिन एक चीज यहां समझ में आती है कि हमने नॉर्मल बढ़ाया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ होगा इसको समझेंगे। तो बेटा जो सरफेस आपको नॉर्मली ऐसी दिखती है, एक्चुअली में नॉर्मली आपको जो सरफेस ऐसी दिखती है कि ब्लॉक एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ऐसी सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। सरफेसेस एक्चुअली में ऐसी ऊपर रखा हुआ होती, रफ सरफेसेस होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे अंडुलेशंस होगा ही। तो जो चीज आपको ऐसी दिखी जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो वो सरफेस एक्चुअली में ऐसी थी। तो होता क्या है कि जब ऐसी सरफेस पे ब्लॉक को रखते हैं, तो इधर देखना दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है सबको, तो ना ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है दोनों सरफेस के। मेरा हाथ दिख रहा है सबको कैमरे में, है ना, ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाएगी उंगलियों के बीच। मान लो दो सरफेस है ना, उनकी आपस में ऐसी इंटरलॉकिंग हो गई, है ना, ऐसे इंटरलॉक्ड हो गए, तो एक दूसरे को मूव करने से रोकेंगे, है ना। अच्छा सोचो इसी चीज से कि ज्यादा धक्का देने पे ज्यादा फोर्स क्यों लगा मूव करने के लिए। जितना धक्का दोगे ना ये इंटरलॉकिंग उतनी परफेक्ट होगी, जितना आप सरफेस को नॉर्मली धक्का दोगे। पहले मान लो हल्का धक्का था तो इंटरलॉकिंग ऐसे थी, आपने ज्यादा धक्का दिया इंटरलॉकिंग बढ़ी, आपने खूब धक्का दिया इंटरलॉकिंग और बढ़ गई। तो पहले ऐसा मानते थे कि दो सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है या जो ऐसा सरफेस के पैरेलल फोर्स आता है, That is due to interlocking. ये दोनों surfaces आपस में interlock हो गए, तो friction क्यों आता है? Due to interlocking. पहले ऐसा मानते थे, है ना? फिर क्या हुआ? दुनिया में कुछ होशियार लोग आए, उन्होंने कहा ऐसा इंटरलॉकिंग हो रही है, इंटरलॉकिंग खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसको स्मूथ कर दो, बिल्कुल बिल्कुल इसको प्लेन करो, बिल्कुल ये तो घिस दो, पॉलिश कर दो, पॉलिश सर्फेस बनाने लगते। They started polishing the surfaces. बिल्कुल क्लोज फिनिशिंग, है ना, ये इंटरलॉकिंग बचेगी नहीं, जो जैसे घाटियां दिख रही है ना ये पहाड़ियां, ये रहेंगी नहीं, सबको बिल्कुल सपाट कर देंगे सीधा स्ट्रेट, तो ना कोई इंटरलॉकिंग ना फ्रिक्शन। तो उन्होंने इसको स्मूथ करना स्टार्ट किया, तो स्मूथ करना स्टार्ट किया तो देखा कि फ्रिक्शन कम होने लगा। बहुत अच्छी बात थी, फ्रिक्शन कम होता गया होता गया होता गया, बट अचानक से एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया। थोड़ा सा तो कम हुआ बट अचानक से फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया घिसने के बाद भी, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया। अब ये क्या हुआ? तो हमने ये इंटरलॉकिंग हटा दी। तो फिर इसकी मॉडर्न थ्योरी आई, और बहुत डिटेल में अपने को नहीं स्टडी करना, बस स्टडी ये करना है कि इंटरलॉकिंग तो अपनी जगह है, दैट इज अ मैकेनिकल रीजन जो हमें दिख रहा था। फ्रिक्शन का एक्चुअल रीजन क्या है ना, कि यहाँ जहां जहां कॉन्टेक्ट होते हैं ना, कॉन्टेक्ट जहां जहां होते हैं, वहां वहां इन दोनों सर्फेसेस के पार्टिकल इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच बॉन्ड बन जाते हैं। उनके बीच क्या होता है?
बॉन्ड बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, याद है मैंने कहा था ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो बाय नेचर ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब ये सर्फेसेस बहुत पास आ जाती हैं तो इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट दोनों कितना घिस दिया कि इनके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत इंक्रीज हो गए, तो बॉन्डिंग बहुत सॉलिड हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शन अचानक से इंक्रीज हो गया। तो यहां से अपने सिर्फ ये जानना है कि फ्रिक्शन के दो कॉजेज हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। एक तो मैकेनिकल कॉज है जो हम समझते हैं, दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेस, इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेस, और दूसरा कॉज जो है वह है बॉन्डिंग बिटवीन, बॉन्डिंग बिटवीन सर्फेसेस एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। पहले ऊपर वाला मानते थे, एक्चुअली रीजन नीचे वाला भी है फ्रिक्शन का, ऊपर वाला तो हल्का सा रिजल्ट देता है, नीचे वाला ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये रीजन अपने को जानना है थ्योरेटिकली कि फ्रिक्शन लगता है, अपने को फ्रिक्शन को स्टडी करना है। जल्दी से इस बात को लिख लीजिए, नई हेडिंग लगा लेंगे फ्रिक्शन, नई हेडिंग लगा के उसके अंदर ये लिखिए ये बात, एक तो इंटरलॉकिंग होती है और दूसरा बॉन्डिंग, बहुत पास पास आ गए तो उनके बीच बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि ये तो मालूम चल गया भाई सरफेस फोर्स क्यों लगा रही है, कैसे लगा रही है ऐसा। तो फिर ना ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली सरफेस ना दो तरह के फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे। मान लो मैं एक ब्लॉक को खींच रहा हूं इधर की तरफ, मैं एक ब्लॉक को खींच रहा हूँ एफ फोर्स लगा के, और ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, तो आप कहोगे सरफेस इस पे दो टाइप के फोर्स लगा रही है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक तो क्या था नॉर्मल रिएक्शन, एक लगाती है सरफेस और एक लगाती है फ्रिक्शन। अभी ये पीछे क्यों, क्योंकि मैं ब्लॉक को आगे खींच रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सब। तो सरफेस एक्चुअली दो फोर्स लगाती है, कौन कौन से, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है उसको कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स, इसको एफ सी या आर से भी लिख लेते हैं, FC stands for contact, R is the resultant. This is net contact force. हर सरफेस, भाई सरफेस तो एक ही है ना, तो सरफेस एक्चुअली में कौन सा फोर्स लगाती है, कॉन्टेक्ट फोर्स। सरफेस कौन सा फोर्स लगाती है, कॉन्टेक्ट फोर्स। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इतनी दिन से पढ़ रहे थे ना, नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टेक्ट फोर्स, इसको से रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, रिएक्शन फोर्स और नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो था ना, इसको नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कहा, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स कौन सा, टोटल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही दूसरे शब्दों में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल टू सरफेस। आज तुम्हें मैंने बताया कि इस फोर्स का नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, एक तो नॉर्मल क्यों है और रिएक्शन क्यों, रिएक्शन क्योंकि रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है, और नॉर्मल क्योंकि रिएक्शन फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है। तो सरफेस जो रिएक्शन फोर्स लगाती है या नेट कॉन्टेक्ट फोर्स लगाती है, उसका सरफेस के परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, और जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन ये क्या होता है, इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स, एक ही बात है, पैरेलल टू सरफेस। मतलब एक्चुअली सरफेस क्या दो फोर्स लगा रही है, नहीं, सरफेस तो एक ही फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स या नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। उसका जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं,
और उसका जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर आता है उसे नॉर्मल कहते हैं। सो उसके देखो यहाँ जो इंटरलॉकिंग हुई थी, उस इंटरलॉकिंग पे नेट तो एक ही फोर्स आएगा एम जी नॉर्मल सब रिजल्टेंट करके, है ना। तो उस रिएक्शन फोर्स का जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन, और उसका जो सर्फेस के पैरल कॉम्पोनेंट है वो फ्रिक्शन। और आप इस नेट कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या कह सकते हो, दिस नेट कॉन्टेक्ट फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। सो इट इज 90 डिग्री पे होते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स आता है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है, ये कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि नॉर्मल रिएक्शन इज द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। जल्दी लिखिए, ठीक। तो अपन ने कॉन्टेक्ट फोर्स लिख लिया, कि कभी आपने से कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा तो अपन आंसर बता देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैं आपसे पूछू ना कि एक ब्लॉक जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है ना भाई, फिक्स्ड, और ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज रफ, ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है। क्या ये ब्लॉक इस पे रखा रह सकता है कि ब्लॉक फिसलेगा ही सही, कि रह सकता है रखा हुआ, रफ है तो इंक्लाइन प्लेन पे बॉल रखा, ब्लॉक रखा रह सकता है कि फिसलेगा ही, रह सकता है ना। अब रफ है, अब स्मूथ थोड़े रह गया, स्मूथ वाला जीवन अपना समाप्त हुआ, तो ब्लॉक रखा रह सकता है, तो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है मतलब इंक्लाइन प्लेन पे। तो आपसे पूछा है फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द इंक्लाइन, इंक्लाइन ब्लॉक पे कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रही है बताओ जरा। ये ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे इक्विलिब्रियम में, तो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। सोचो, सोच सकते हो, मैं बताऊं mg, मैं बताऊं mg कैसे, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है। एक तो अर्थ, धरती माता सब पे फोर्स लगाती है, वो अपना इसका वेट है mg, और एक ही इंक्लाइन प्लेन है, कौन है ये इंक्लाइन प्लेन जो इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है। इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है ना, इंक्लाइन इज अ सरफेस फॉर ब्लॉक, तो ये इस पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है एफ सी, कॉन्टेक्ट फोर्स। हाँ ये जरूर है कि इस कॉन्टेक्ट फोर्स का ये कॉम्पोनेंट नॉर्मल होगा, ये कॉम्पोनेंट फ्रिक्शन होगा, जो भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल होंगे, बट दोनों मिलके होते तो एक ही फोर्स है, तो दोनों मिलके एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है। और कोई तीसरा फोर्स है इस ब्लॉक पे, बोलो इस ब्लॉक पे और कोई तीसरा फोर्स है mg और कॉन्टेक्ट फोर्स के अलावा। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है कि उस वो सरफेस उस पे जो भी फोर्स लगा रही है सबको कॉन्टेक्ट फोर्स बोल, यही सिखाया, तो बस हो गया ना। अगर ये दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इसका मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स mg के इक्वल, कॉन्टेक्ट फोर्स mg के इक्वल है, पक्की बात है, तभी ऐसा हो सकता है। दो ही फोर्स हैं, एक mg जो नीचे ले जाना चाह रहा है और एक कॉन्टेक्ट फोर्स जो सरफेस लगा रही है, और कुछ है ही नहीं फोर्स लगाने वाले, तो कॉन्टेक्ट फोर्स mg के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, mg नीचे तो कॉन्टेक्ट फोर्स mg ऊपर, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट इस बात को।
नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के इक्वल आएगा क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो. ठीक है भाई, चल अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या, अगला कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट नहीं, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. यही सामने आपके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कॉपी पे करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है अपना, कि हम एक ब्लॉक लेके आएंगे जिसे हम रफ सरफेस पे रख देंगे. ब्लॉक लेके आएंगे सुंदर सा, 10 kg का ब्लॉक जिसे हम सरफेस पे रख देंगे, फिर हम इसे इधर से खींचेंगे एफ फोर्स लगा के, और इस एफ का फंक्शन दे रखा है हमारे पास 10 t. एफ का फंक्शन क्या दे रखा है, 10 t सेकेंड्स, सॉरी 10 t न्यूटन, मतलब ना एफ का फंक्शन दे रखा है 10 t न्यूटन. तो हमने कुछ ऐसे जुगाड़ लगाया है कि हम उससे ऐसा 10 t न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं. फिर हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम अपना ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे. ऐसे ही है ना, टाइम पास कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइम कितना हुआ, यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ मैं लिखूंगा फ्रिक्शन कितना हुआ, यहाँ मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन कितना हुआ. तो टी इक्वल टू जीरो तो लेने की बात है नहीं, क्योंकि टी इक्वल जीरो पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा. अच्छा नहीं, लेने की बात है ना. अच्छा, आपने जीवन में ब्लॉक खींचा होगा, ठीक है, तो अगर बहुत कम फोर्स लगाओ तो ब्लॉक नहीं खींचता है, मानते हो ना. तो आप अगर ब्लॉक को आगे खींच रहे हो तो कोई होता है जो इस ब्लॉक को रोक रहा होता है आपको खींचने से, और वो फोर्स हमने सीखा है कि कौन सा है, सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन पीछे की तरफ, है ना. आप अगर ब्लॉक को आगे खींच रहे हो तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा है अभी, जो हमने सीखा. हम इसके एक नेचर की स्टडी कर रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे आपका फोर्स कितना था, जीरो. क्या ब्लॉक मूव करता दिखेगा, नहीं. तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, जीरो. एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो. चलो हम एक सेकेंड पे आ जाते हैं. मान लेते हैं हमें ये दिखा कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी ब्लॉक मूव नहीं किया. सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे ये दिख रहा है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ब्लॉक मूव नहीं किया. ये तो पता है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये फोर्स 10 न्यूटन है. अच्छा सोच के देखो, अगर ब्लॉक मूव नहीं किया इसका मतलब मेरे 10 न्यूटन के फोर्स को किसी ने बैलेंस कर दिया होगा, और वो किसी ने कौन है, फ्रिक्शन. तो मतलब फ्रिक्शन भी कितना होगा, 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन जीरो. हमारा ऑब्जर्वेशन है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब मेरे 10 न्यूटन के फोर्स को किसी ने बैलेंस कर दिया, और वो कौन है, फ्रिक्शन. फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड मैंने फिर से देखा एक्सेलरेशन जीरो है. मैंने फिर से क्या देखा, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब मेरा जो 20 न्यूटन का फोर्स है इसे फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया होगा, और पक्के से उसको कितना लगना पड़ा होगा, 20. फिर मैंने देखा कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे ब्लॉक जस्ट मूव्ड. क्या हुआ, ब्लॉक जस्ट मूव्ड, बिल्कुल हल्का सा खिसका बस, मतलब एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली तो जीरो ही है ना, जस्ट मूव्ड, हल्का सा बस खिसका है. इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन फिर भी ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये भी 30 न्यूटन है, तो ये भी 30 न्यूटन है. ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, कि मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है. एफ मैं जितना फोर्स से खींच रहा हूँ, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है. ये बात समझ में आई, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ रहा है. क्योंकि तो क्यों बढ़ रहा है, हमें कैसे पता बढ़ रहा है, तो हमें तो ये नहीं पता कि फ्रिक्शन बढ़ रहा है, हमें तो ये पता कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. और ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स कोई ऑपोजिट में लगा रहा होगा, और वो फ्रिक्शन है. तो मैंने जब 10 लगाया तो उसने 10 लगाया, मैंने 20 लगाया तो उसने 20 लगाया, मैंने 30 लगाया तो उसने 30 लगाया, और 30 पे वो जस्ट मूव हुआ, मतलब ए फिर भी जीरो. आप सबने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई ब्लॉक अगर रखा हुआ हो तो उसको जब खींचना हो ना अपने को, कोई सी भी
पांच दस किलो की चीज रखी हो तो पहली बार खींचना मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम जब उसको मूव कराते हैं तो उसको खींचना मुश्किल होता है, उसके बाद वो आसानी से खींच जाता है। तो अपना जो अगला ऑब्जर्वेशन था वो ये था, जब हम 4 सेकंड पे गए तो इसका जो एक्सेलरेशन आया वो आया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया? 1.2। फोर्स तो कितना होगा? 40 न्यूटन। फोर्स कितना होगा? 40 न्यूटन। अगर फोर्स 40 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 1.2 है तो इस केस के लिए मैं अगर फ्रिक्शन निकालू तो आप लिखोगे 40 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 40 माइनस 12, 28 न्यूटन। मतलब पिछली बार से थोड़ी सी कम आ गई। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताई कि किसी ब्लॉक को पहली बार खींचना आसान होता है और जैसे ही पहली बार खींचा तो उसके बाद हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखो ये फोर्स जो अपोज कर रहा था वो 30 से कम हो गया, 28। अब ब्लॉक मूव कर रहा है ना, ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग। और फिर उसके बाद देखा जाता है ये फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। इसी चीज को कैसे प्लॉट करते हैं? ग्राफ के फॉर्म में, कि यहां पर मैं फ्रिक्शन लिख रहा हूं, यहां पर मैं एफ लिख रहा हूं। मैंने क्या देखा कि एक पार्टिकुलर वैल्यू तक मैं फोर्स बढ़ा रहा था, फ्रिक्शन बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन तो 20 न्यूटन, 30 न्यूटन तो 30 न्यूटन, मतलब दोनों बराबर थे। मतलब ये एंगल 45 डिग्री था। y इक्वल टू x, एक मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद ये फोर्स अचानक से कुछ कम हुआ, थोड़ा सा ये फोर्स कम हुआ और फिर वो कांस्टेंट हो गया लगभग, है ना। इसके बाद ब्लॉक मूव करने लगा, है ना। इसके बाद ब्लॉक क्या हुआ? मूव करने लगा। इसमें क्या हुआ? ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग। यहाँ पे क्या हुआ? ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। इस पॉइंट पे क्या हुआ? ब्लॉक जस्ट मूव्ड। यहाँ पे क्या हुआ? ब्लॉक जस्ट मूव किया। तो बस इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे जब ब्लॉक मूव कर रहा होता है, यहाँ जो लगता है ना, आगे मैं डिटेल में यही पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है? जब कांटेक्ट सरफेसेस के बीच स्लिपिंग हो रही हो या एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हो। जब ब्लॉक रुका हुआ था इस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका ये ग्राफ है। अभी आप चाहो तो ये ग्राफ मत बनाओ, आप सिर्फ ये टेबल लिख लो। अपन अभी इस ग्राफ को फिर से ड्रॉ करेंगे, बस मैंने आपको ये बताया। ग्राफ में फिर से बनाऊंगा, फिर से बताऊंगा, बट ये अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये पहले मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब पहले मैं जो फोर्स लगा रहा था फ्रिक्शन उतना ही लग रहा था। फिर मैंने देखा कि एक मैक्सिमम वैल्यू तक ऐसा हुआ 30-30 तक, कि मैंने जितना फोर्स लगाया फ्रिक्शन उतना ही लगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं इसको कॉन्स्टेंटली खींच रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट एफर्ट लग रहा है खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, जल्दी से इस स्लाइड को लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू।